हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज आर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो हमें ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है। इस सर्किट डायग्राम को हम थोड़ा सिंपल अरेंजमेंट में ले आते हैं। तो ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है ए। तो इस ए पॉइंट से कुछ इस तरीके से हमारे पास रजिस्टर्स आएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा पी, ठीक है, और एक रजिस्टर इधर आ जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा क्यू, और पी और क्यू आपस में कनेक्टेड है, एंड पी के साथ फिर आगे कनेक्ट है बी। ये पॉइंट हो गया बी, और बी से फिर ये आगे कनेक्टेड है क्यू के साथ। तो इन सभी का जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो गिवन है आर ओम। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है, ये रिप्रेजेंटेशन है बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर आ जाए, ठीक है। कंडीशन क्या है, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर। तो उस केस में इस डायगनल वाले रजिस्टर में से करंट पास नहीं करेगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, फिर जब इसमें से करंट पास ही नहीं कर रहे तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। सो नाउ ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही नीचे वाले ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज में कनेक्टेड है, और ऊपर वाली ये पूरी रो और नीचे वाली रो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ से अब हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाली रो का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा टू आर। ऐसे ही नीचे वाली रो का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा टू आर, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। एंड फाइनली हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय टू आर प्लस वन बाय टू आर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आया इनका टू आर अपॉन वन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू टू अपॉन टू आर। तो टू से टू कैंसिल, वन बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई वन बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से आर के इक्वल। तो आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया आर। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।